सबसे पहले मेष राशि वाले, आज आपको आर्थिक स्थिति से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थिति अनायास अचानक बन सकती है, इसलिए सचेत सतर्क सावधान रहें। श्री हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगी। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति, आपको आज कोई नया धंधा, काम, व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं अथवा कहीं की यात्रा के पूर्ण योग बन रहे हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, स्त्री पक्ष से लाभ, विद्या अध्ययन एवं सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ के प्रारूप बन सकते हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम होगा, मानसिक तनाव बेचैनी जो बढ़ती चली आ रही थी वह आज के दिन कम होगी। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, माता पिता भाई आदि का सहयोग प्राप्त आपको आज प्राप्त होगा। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार आपका आज के दिन मध्यम रहेगा और आज आप अपने क्रोध को कंट्रोल में रखें तो श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, विद्या अध्ययन, सरकारी जैसे क्षेत्र से सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव भरामय रह सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको आज पेट से संबंधित, लीवर किडनी से संबंधित कोई स्थिति उतार चढ़ाव भरीमय रह सकती है, इसलिए आपको चाहिए श्री हनुमान जी की आराधना करना, गाय को रोटी खिलाना श्रेष्ठ और उत्तम है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, पूर्व से किसी पद पर प्रतिष्ठित हो तो नए पद की प्राप्ति बन सकती है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन रहे हैं, धर्म के प्रति रुझान हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, शत्रु परास्त पुत्रों से सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार आज आपका बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोई भी विभाग में कार्य करते हो तो उस विभाग से संबंधित आपको सम्मानित किया जा सकता है अथवा कोई नया पदभार संभालने की स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ वृंदवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।